जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है रोहित शर्मा को लेकर। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कैसे रोहित शर्मा ने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी आईपीएल के दौरान। दरअसल दोस्तों बता दें कि रोहित शर्मा की गिनती आईपीएल के सबसे सफल कप्तान यानी कि टॉप पर ही आती, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब जीते हैं तो चेन्नई ने 4 बार और कोलकाता ने 2 बार। तो ये तीनों टॉप टीम है, उसमें से मुंबई नंबर 1 पर यानी कि रोहित नंबर 1 पर। साथ ही वो मुंबई के लिए आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। रोहित को लेकर गौतम गंभीर ने कहा कि कप्तान के रूप में रोहित शर्मा एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेरी रातों की नींद उड़ाई थी। क्रिस गेल या एबी डी विलियर्स या किसी और से डर नहीं लगा, सिर्फ रोहित शर्मा से लगा। वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेरी रातों की नींद उड़ाई। आईपीएल इतिहास में रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान है। रोहित शर्मा की आईपीएल में सफलता को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट के कप्तान बना दिया गया है। साथ ही वे आईपीएल 2022 के तहत मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी करते नजर आएंगे। बता दें कि गौतम गंभीर ने आईपीएल में केकेआर की कप्तानी करते हुए 2 बार खिताब जिताया, 2012 और 2014 में। आपको यही बता दें, गौतम गंभीर इस बार आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े हैं। नई फ्रेंचाइजी ने गौतम गंभीर को मैंचोर के रूप में नियुक्त किया, लेकिन ये रोहित शर्मा के लिए एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट की तरह है कि किस तरीके से गौतम गंभीर जैसा महान खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में बल्ले से कमाल दिखाकर टीम को मैचेस जिताया, वो रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को सबसे खतरनाक मानता है। क्रिस गेल, एबी डी विलियर्स को नहीं, ना ही विराट कोहली को, रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक सफल कप्तान और बल्लेबाज मानता है। ये रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही वजह है दोस्तों कि गौतम गंभीर की रातों की नींद उड़ी हुई थी, कैसे रोहित शर्मा को ही रोका जाए। उनका माइंड में एक प्लान चलता था, अब लखनऊ की तरफ से मेंटोर की भूमिका निभाएंगे तो निशाना फिर से मुंबई होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।